बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे जीतू पटवारी, उमंग सिंगार होंगे नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष होंगे हेमंत कटारे। कांग्रेस में बड़ा बदलाव। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, उनको एक मध्य प्रदेश में नई जिम्मेदारी दी गई है जीतू पटवारी जी को, और निश्चित तौर पर युवा हैं, युवाओं के चहेते हैं, और उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किए थे, अगर उन वादों में कोई भी कोताही की जाती है तो निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। और ये बहुत ही धन्यवाद देते हैं केंद्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने जीतू पटवारी जी को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में जो काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, वैसा ही काम जो है वो हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में करेंगे। जो शीर्ष नेतृत्व है या वरिष्ठ नेता है उनका कहा जाए कि मार्गदर्शन लिया जाएगा, लेकिन जो युवा है वो सड़क पे उतरते थे इस बार। देखिए, स्पष्ट है वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे, ताकत से जनता की लड़ाई लड़ेंगे, और जनता को जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने करे थे उनको पूरा कराने के लिए ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। आपको भी कुछ पद मिलने वाला है या ना पता? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी तो ये अध्यक्ष बने, अध्यक्ष जी का निर्णय रहेगा, उनकी जो टीम बनाएंगे वो अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस तरह की बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमको एक ऐसा नेतृत्व दिया है जो जांचा परखा हुआ है, चाहे यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने देखते हो, सड़कों पे उन्होंने लड़ाई लड़ी है, विधायक रहते हुए उन्होंने सदन के अंदर लड़ाई लड़ी है। तो ये हम सभी युवाओं का सौभाग्य है कि हमको आदरणीय जीतू पटवारी जी के रूप में एक सक्षम, ऊर्जावान और लगनशील प्रदेश अध्यक्ष हमें शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। हम सभी युवा उनके नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बखियां उधेड़ देंगे। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का हो या केंद्र का हो, इन सभी के मार्गदर्शन में, सभी के साझा प्रयास से, उनके निर्देशन में आदरणीय जीतू पटवारी जी चलकर मध्य प्रदेश की जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जो सीनियर लोग हैं उनका हमेशा मार्गदर्शन हमारी युवा नेताओं को मिलता है, और अभी भी आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, सभी का मार्गदर्शन आदरणीय जीतू पटवारी जी को मिलेगा, और वो पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में सड़कों पर कांग्रेस पार्टी की के संघर्ष की आवाज बनेंगे और युवाओं, जनता, किसानों के मुद्दों को उठाकर कांग्रेस पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व तो राहुल गांधी जी को, आदरणीय खड़गे जी को और केसी वेणुगोपाल जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, तमाम सबको धन्यवाद देता हूं। जो एक हताशा और निराशा थी मध्य प्रदेश में, अब आने वाले समय में नए नौजवान के साथ, ऊर्जा और उत्साह के साथ, हमारे जो सीनियर नेता है उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुभव के साथ, नए नौजवानों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में नौजवान, किसान, महिला सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे सदन से लेकर सड़क तक। एक भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी चेहरा छोड़ा था, आदिवासियों के वोट लेने के काम तो करे, लेकिन आदिवासियों के शीर्ष नेतृत्व में उनको जिम्मेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों की चिंता करी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक नौजवान आदिवासी को बनाने का काम करा। चंबल से एक नौजवान साथी हेमंत कटारे जी को बनाने का काम करा। शीर्ष नेतृत्व को, तीनों हमारे जो नेता बन के आए उनको ढेर सारी बधाई। हम अपने सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन और नौजवान की ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश में नई क्रांति लाने का कार्य करेंगे।